वेलकम। सो बेसिकली इस ट्यूट में हम देखेंगे कि कैटेगरीज क्या होती है, टैग्स क्या होते हैं। कैटेगरीज बेसिकली आपके जो आर्टिकल्स हैं आप उन्हें स्ट्रक्चर कैटेगराइज करने के लिए कैटेगरी यूज में ले सकते हैं। जैसे कि मैं अगर अपने फ्रंट एंड पे जाऊँ तो आप देख सकते हैं मेरा ये वाला आर्टिकल दो कैटेगरी से बिलोंग करता है, म्यूजिक और पॉप। मान लीजिए आपके पास और भी कोई कुछ कैटेगरीज जैसे क्लासिकल, जैज, और आप चाहते हैं कि आपका दूसरा वाला आर्टिकल जैज में बिलोंग करें, आपका तीसरा वाला आर्टिकल क्लासिकल में बिलोंग करें। और इन कैटेगरीज का एक फ़ायदा ये है कि आप कैटेगरी बेस्ड मेन्यू बना सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए किसी पेज पे ये चाहते हैं कि पॉप से रिलेटेड आर्टिकल ही पब्लिश हो, उसके अलावा और कोई आर्टिकल पब्लिश ना हो। मेन्यू कैसे बनाते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में हम कैटेगरीज देखते हैं। तो मान लीजिए, वैसे तो मैंने आपको दिखाया था कि पिछली बार जैसे ही आप कोई आर्टिकल बनाते हैं तब अपनी कैटेगरी डिफाइन कर सकते हैं। उसके अलावा एक और मेथड होता है कैटेगरीज का, आप अपनी पोस्ट पे जाएं, पोस्ट के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कैटेगरीज। आप जैसे कैटेगरीज में जाते हैं तो यहाँ से आप एक नई कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ऐड न्यू कैटेगरी, मैंने कहा नेम जैज स्लग। जैज स्लग बेसिकली मशीन नेम कह सकते हैं उसे, और थोड़ा सा यूआरएल फ्रेंडली वर्जन होता है। पेरेंट, अगर मान लीजिए आपकी ये वाली कैटेगरी इसी कैटेगरी की चाइल्ड है। अब जैसे मान लीजिए म्यूजिक के अंदर ये सारी कैटेगरी जाती है, पॉप, जैज, क्लासिकल, तो ये बेसिकली सारी कैटेगरीज म्यूजिक के अंदर आती हैं। आप चाहें तो इन कैटेगरीज का पेरेंट जो है, जैसे म्यूजिक है, आप उसको उसका म्यूजिक का इसे चाइल्ड बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कोई पेरेंट नहीं बना रहा इसका, और इसके बारे में आप कुछ भी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 3, ये कहीं पे भी डिस्प्ले नहीं होगा, ये सिर्फ आपके फर्दर, जैसे आप देखना चाहते हैं कि आपने किसी कैटेगरी को क्यों बनाया था, उसका डिस्क्रिप्शन क्या लिखा था, तो वो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अब जैसे ही मैं इसे यहाँ पे ऐड न्यू कैटेगरी करता हूँ तो आप देख सकते हैं जैज जो है मेरी एक नई कैटेगरी बनके आ चुकी है। आपने जितनी भी अब तक कैटेगरीज बनाई हैं सारी यहाँ पे हैं। एक अनकैटेगराइज्ड भी है जो कि बाय डिफॉल्ट हमारे पास वर्डप्रेस के साथ आई थी। मैंने आपको बताया था कि इस कैटेगरी को आप डिलीट नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा आप रीनेम ज़रूर कर सकते हैं। तो हम इसको नहीं छेड़ेंगे अभी। और यहाँ पे पॉप, म्यूजिक, जैज, अब बेसिकली किसी कैटेगरी के नीचे अगर आप एडिट करते हैं तो एडिट करने के बाद इन सारी फील्ड्स में आप चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं। और अगर आपको व्यू करना है तो जैसे मान लीजिए मैं इसे व्यू कर देता हूँ, तो अभी बता रहा है कि म्यूजिक से रिलेटेड, देखिए आप लोकल होस्ट /wama/category/music, और म्यूजिक से रिलेटेड जो जो आर्टिकल होंगे, जो कि हमारे पास अभी सिर्फ एक ही आर्टिकल है, तो म्यूजिक से रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स आपके पास यहाँ पे होंगे वो इस पेज पे जाएंगे। तो बेसिकली चलिए एक जैज जैसे हमने भी एक आर्टिकल बनाया, कैटेगरी बनाई, कैटेगरीज आप देख सकते हैं जैज, म्यूजिक, पॉप। तो कुछ आर्टिकल नए, पोस्ट नए जल्दी से बना देते हैं। मैंने कहा एड न्यू पोस्ट, और मैंने कहा दिस इज सेकेंड पोस्ट। मेरे पास कंटेंट है तो मैं उसे जस्ट जल्दी से पेस्ट कर देता हूँ। और इस बार मैं इसे कह रहा हूँ कि ये जो मेरी कैटेगरी है जैज के अंदर और पॉप के अंदर जाएगी, और टैग्स मैं बेसिकली इसमें अभी नहीं दे रहा। और जैसे ही मैं इसे पब्लिश करता हूँ, ओके, और अगर अपना फ्रंट एंड जाके मैं रीलोड करूँ तो आप देख सकते हैं दिस इज सेकेंड पोस्ट, उसके बाद दिस इज सम कोट, और उसके बाद दिस इज माई फर्स्ट वर्डप्रेस पोस्ट। फर्स्ट वर्डप्रेस पोस्ट जो है आप देख सकते हैं म्यूजिक और पॉप के अंदर जा रही है, और हमारी जो अभी रिसेंटली हमने जो पोस्ट बनाई ये जैज और पॉप के अंदर जा रही है। अगर मैं पॉप कैटेगरी को नए टैब में खोलता हूँ तो आप देख सकते हैं चूंकि हमारी सेकेंड पोस्ट भी पॉप कैटेगरी के अंदर है और फर्स्ट पोस्ट भी पॉप कैटेगरी के अंदर है, तो वो दोनों यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि आप कैटेगरी वाइज भी अपनी पोस्ट जो है उन्हें डिस्प्ले करवा सकते हैं। और जैसे सेम एज की, जैसे मान लीजिए मेन्यू में हमारे म्यूजिक में हमारी सिर्फ ये एक पोस्ट है, अगर मैं म्यूजिक को नए पेज में खोलता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरे पास सिर्फ एक पोस्ट आएगी। ओके, सो सेम गोज विद कीवर्ड्स और आई कैन से टैग्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं म्यूजिक, पॉप, पॉप म्यूजिक। सो बेसिकली आप मान लीजिए जैसे म्यूजिक से रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल हैं या पोस्ट हैं तो वो यहाँ पे आ जाएंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं लोकल होस्ट /wama/tag/music। यहाँ पे अगर आप जैसे मान लीजिए पॉप करते हैं, सॉरी, जैसे यहाँ पे आप पॉप करते हैं तो देख सकते हैं आप पॉप से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स या पोस्ट होंगी वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे, लोकल होस्ट /wama/tag/post। ओके, तो कैटेगरी और पोस्ट का फंडा इतना सही है, लेकिन मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आपको अगर नया टैग बनाना है, नए टैग्स वगैरह बनाने, तो आप कहाँ से ये सब चीज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं टैग्स। अब जैसे ही यहाँ पे आप जाएंगे
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐड न्यू टैग, वही जो कैटेगरी के साथ हुआ था। ये तीन टैग हमने, याद हो तो जब हमने फर्स्ट पोस्ट बनाई थी तब हमने ये कुछ तीन नए टैग भी बनाए थे, और वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर मैं एक नई पोस्ट अब क्रिएट करता हूँ, जैसे मैंने कहा ऐड न्यू पोस्ट, ऐड न्यू पोस्ट में जैसे मैं नीचे जाता हूँ तो कैटेगरीज जो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ वो सारी हमें ऑफर कर देगा कि क्या आपका आर्टिकल उन कैटेगरीज में जो आप ऑलरेडी बना चुके हैं, अगर है तो आप इनमें से सेलेक्ट कीजिए, अदरवाइज आप ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक कर सकते हैं। सेम गोज विद टैग्स। टैग बेसिकली यहाँ पे टैग नहीं बता रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टैग बेसिकली कीवर्ड्स होते हैं, तो कीवर्ड्स हर आर्टिकल के लिए कुछ ना कुछ अलग होते हैं, और 5 से 8 या फिर 6, 8 से 10 के बीच में जो कीवर्ड्स होते हैं, आप मैं रिकमेंड करूँगा कि जो भी आप अपनी पोस्ट लिखें उसमें इतने कीवर्ड ज़रूर डालें। तो बेसिकली कीवर्ड का तो कोई अंत नहीं है, इसलिए कीवर्ड जो है ये वर्डप्रेस हमें ऑफर नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत सारे भी हो सकते हैं। तो यही एक छोटा सा फंडा था कैटेगरी और टैग्स के बीच में। ओके, सो इस यूट में इतना ही। थैंक यू।